आओ जरा इधर बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था? कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करवा दूं मैं आपको। देखो जरा जल्दी से, पिछली बार जितना टाइम नहीं लगाएंगे इस बार हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है? ये बताओ साइन 120 डिग्री आपको फाइंड करना है, क्या होगी साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ जरा। इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा। बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ परीक्षित रह गया, करा बंद करो। हाँ 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है? 90 तो खुद 1 × 90 होता है, तो ये ऑड मल्टीपल हुआ। ऑड मल्टीपल हुआ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा? ये कॉस 30, ठीक है? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ऐसे निकालना है, ठीक है? अब मैं लिखते जाता हूँ और आप करते जाओ, जो नहीं आए मुझे बताओ, ठीक है? कॉस ऑफ 150, टेंजेंट ऑफ 135, जल्दी जल्दी करो ये, सीकेंट ऑफ 210 डिग्री, कॉस सीकेंट ऑफ 240 डिग्री, कॉट ऑफ 225 डिग्री, जल्दी से फाइंड करो बच्चों ये बताओ। कॉस 150 फाइंड किया सभी ने, 90 प्लस 60, कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव होगा और ये ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए क्या चेंज हो जाएगा? साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है बच्चों? माइनस √3/2, ठीक है? नेक्स्ट देखो टेंजेंट 135, टेंजेंट ऑफ 135 क्या लिखोगे इसको? टेंजेंट ऑफ 135 को जैसे आप 90 प्लस थीटा लिख रहे हो, ऐसे 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो जैसे इस वाले को हम 180 से करते हैं, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं इसको, ठीक है? 180 पर माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, बताओ क्या बनेगा? देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है? और ये चेंज होगा कि नहीं होगा? 180, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा तो 10 का क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, 10/45, एंड 10/45 क्या होता है? -1। सीकेंट 210, सीकेंट ऑफ 210 बताओ, सीकेंट 210 क्या होगा? करो फिर एक बार ट्राई करो, कर लिया फाइंड आउट? सीकेंट ऑफ 180 प्लस 30 या फिर 270 वो भी कर सकते हो, ठीक है? बताओ क्या बन गया? हाँ सीकेंट 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में, सेकंड में सीकेंट होता है नेगेटिव और चेंज नहीं होगा। सीकेंट 30, सीकेंट 30 कितना होता है बच्चों? माइनस ऑफ कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 क्या होता है? √3/2, तो सीकेंट 30 कितना होगा? 2/√3, ठीक है? बाकी फाइंड हो गए, बताओ भाई बाकी का पार्ट कर लिया आपने? कॉसिकेंट बातें मत करो बच्चों, कॉसिकेंट ऑफ 240, 180 प्लस 60, 180 प्लस थीटा बताओ क्या होगा? माइनस कॉसिकेंट 60 माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, थर्ड में कॉसिकेंट क्या होता है? माइनस, माइनस कॉसिकेंट 60 कितना बन जाएगा? माइनस साइन 60 का उल्टा 2/√3, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है जो 90 का इवन मल्टीपल होता है, ठीक है? नेक्स्ट बताओ जरा कॉट ऑफ क्या लिखोगे इसको? या तो 270 माइनस 45 या फिर 180 प्लस 45,
ठीक है, 180 के साथ लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। अच्छा बताओ जरा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, और ये चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो कॉट 45 ही आ जाएगा, कॉट 45 1, ठीक है बच्चों। आगे लिखो साइन ऑफ 300, कॉस ऑफ 315, नेक्स्ट लिखो टेन ऑफ 330, ठीक है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बताओ जरा साइन 300 की वैल्यू क्या आई, साइन 300, 300 को क्या लिखेंगे, 360 माइनस 60, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों, 360 में से कुछ माइनस करोगे, 360 यहाँ पर है, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और 360 क्या होता है, 4 × 90, 360 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 90, तो कैसा मल्टीपल हुआ, इवन मल्टीपल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। कितना आ जाएगा साइन ऑफ, बताओ, माइनस साइन 60 माइनस, ठीक है, नेक्स्ट टेंजेंट दिस, कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ इसको भी क्या लिखेंगे, 45, बताओ क्या बनेगा, आते हैं बताओ, कॉस, कॉस 360 माइनस थीटा, बताओ जरा 360 माइनस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस चेंज नहीं होगा, 360 है ना, 4 × 90 होगा, इसलिए चेंज नहीं होगा, सो कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, 45, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। नेक्स्ट बताओ टेंजेंट 330, 330 को क्या लिखोगे, बताओ 330 को क्या लिखोगे, क्या बन गया ये, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में टेंजेंट, फोर्थ में टेंजेंट माइनस, नेक्स्ट चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होता है, -1/√3, समझ आया, -1/√3, ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखो जरा, साइन ऑफ 390, साइन 390 बताओ जरा, बताओ बच्चों कितना आया, शरण्या क्या लिखेंगे, साइन, देखो बच्चों जब भी आपके पास रिवोल्यूशन कंप्लीट, एंगल कंप्लीट हो जाए, जैसे 360 हो गया, एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया, बाकी 30 डिग्री एंगल एक्स्ट्रा है, तो इसमें 360 जो रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है वो 360 प्लस बचा हुआ एंगल, तो बचा हुआ एंगल कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 390 है ना, 390 में से रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो, सेपरेट कर दो, 360 रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल, एक रेवोल्यूशन कितने एंगल में पूरा होता है, 360 में कंप्लीट होता है ना, और बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख दो, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल अलग कर देना है, जितने भी डिग्री में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है वो सेपरेट कर दो इसमें से, ठीक है, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल से बड़ा एंगल आता है तो उसमें से रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दो, ठीक है, उसके बाद इसको लीव कर दो, सिंपली लीव कर दो इसको, कुछ नहीं देखना, सिंपली इस वाले एंगल को छोड़ दो, क्या लिखोगे, साइन, साइन 30, क्यों, क्योंकि दिस 390 इज इक्विवेलेंट टू
30 डिग्री। कैसे बच्चों? 30 डिग्री एंगल बनाओगे तो यहाँ बनेगा, और 390 बनाओगे तो वो भी 360 से 330 ज्यादा यहीं पर बनेगा। तो 360 इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री, 390 इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री, ठीक है। तो 360 को आप यहाँ से लीव कर दो, जो भी रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल उसको लीव कर दो, कोई चेंज नहीं देखना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना। और साइन 30 कितना हो गया? 1/2, ऐसे करना है। चलें आगे, देखो जरा कॉस, ये बताओ कॉस 480, कॉस 480 बताओ जरा, टेंजेंट ऑफ फाइव 85 बताओ, ठीक है। कॉसेक 675, ये वैल्यूज बताओ जरा क्या आएंगी। क्या करना है बच्चों इसमें? कॉस ऑफ, इसमें से रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो, 480 में से, 480 में से 360 माइनस कर दो, 360 में वो कंप्लीट होता है ना एक रेवोल्यूशन, तो इसमें से 360 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 120। कॉस 360 प्लस 120, और उसके बाद इस 360 को लीव कर देना है। दिस इज इक्वल टू कॉस, काटना नहीं है जैसे मैंने काटा है ऐसे काटना नहीं है, बस आपको सीधा क्या लिखना है? कॉस 120। अब इस कॉस्ट 120 को वैसे ही सिंप्लीफाई करना आपने जैसे पहले सिंप्लीफाई किया था। क्या लिखोगे इसको? कॉस ऑफ 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? सेकंड। 90 में कुछ एंगल ऐड होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। हाँ तो समझ आ गया, ये cos 90 प्लस 30 क्या करेंगे? माइनस साइन 30 हो जाएगा, और माइनस साइन 30 क्या होता है? हाफ। मैं बहुत देर से देख रहा था कि हाफ वैल्यू नहीं आ रही, कई देर में जाके आई है। ये बताओ क्या लिखोगे इसको? कल्याणी क्या किया आपने? कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ दिस, टेंजेंट ऑफ 360 प्लस कितना? 225। टेंजेंट, तो इसको 360 को लीव कर देना है, डायरेक्टली क्या लिख लेना है? 225। बताओ जरा टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री क्या लिखेंगे? 1045। 10 थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 पॉजिटिव होगा, और 180 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, चेंज भी नहीं होगा, क्या रहेगा? 1045। और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। देखो जरा आगे, कॉसेक 675 क्या लिखेंगे? कॉसेक ऑफ 675 को क्या लिखेंगे? 360 प्लस 315, क्या लिखेंगे? 360 प्लस 315, दिस इज इक्वल टू, फिर से भाई 360 को लीव कर देंगे, कॉसेक 315, दिस इज इक्वल टू, बताओ कॉसेक, बताओ सर माइनस 360 माइनस 45, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा? माइनस, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, कॉसेक 45, कॉसेक 45, ठीक है, कॉसेक
cosec 45 माइनस 1 बाई ओ सॉरी रूट टू आ जाएगा, ठीक है माइनस का। ठीक है बच्चों आगे चलो, अगर ऐसे ही आपके पास और वैल्यूज आ जाएं तो क्या करोगे? जैसे आपके पास आ जाए cos of 855, ठीक है, साइन ऑफ 930, कॉट ऑफ 1020, ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, क्या करोगे? देखो बच्चों 360 में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, 720 में दो हो जाते हैं, ठीक है 720 में कितने होते हैं, 360 × 2 में दो हो जाते हैं, हाँ ये क्या हो जाएगा भाई 360 × 3 कितना 1080, ऐसे ही 360 × 4 कितना 14 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो 360 में एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया 1 × 360, 720 में 2 × 360 टू रेवोल्यूशन पूरे हो गए, ठीक है कंप्लीट हो गए। 1080 में क्या होगा 3 × 360, थ्री रेवोल्यूशन पूरे हो गए, ठीक है 1440, 4 × 360 चार रेवोल्यूशन पूरे हो गए एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, ठीक है ध्यान रखना। अब इसमें देखो ये जो हमारा 8855 किसके बीच में है, 855 इन दोनों के बीच में है, मतलब दो रेवोल्यूशन पूरे हो चुके लेकिन तीन तो पूरे नहीं हुए हैं, तीन हो जाते तो एंगल 1080 से बड़ा होता, तो इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ 720 लिखो आप, या तो या 2 × 360 भी लिख सकते हो। तो बचेगा क्या, 855 में से 720 माइनस करके देख लो 135, तो लिखोगे 135। अब इस रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को लीव कर दो, इस वाले को लीव कर दो क्योंकि इसमें दो रेवोल्यूशन पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसको लीव कर देंगे। बचेगा क्या हमारे पास cos 135, कितना बचेगा, अब इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे cos ऑफ 90 + 45, बताओ क्या होता है cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब शायद ये बताने की जरूरत नहीं माइनस साइन थीटा क्यों है, क्योंकि काफी देर हो गई ये करते हुए, माइनस साइन 45 और माइनस 1/√2, समझ आया? ठीक है देखो जरा साइन 930, साइन 930 बताओ क्या लिखोगे, साइन ऑफ बताओ 720 से बड़ा है, 930 में से 720 माइनस करो 210, क्या बन जाएगा साइन ऑफ 720 प्लस, करके दिखाओ इसको आगे, इसको लीव कर देंगे कितना हो जाएगा साइन 210, और इसको लिखेंगे साइन 1080 माइनस 60, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, बताओ कॉट 180 माइनस थीटा, अच्छा सॉरी क्या लिख दिया ये सरन्या ने करवाया क्या कल्याण, 720 प्लस बोलो बच्चों 300, तो इसको क्या लिखेंगे सरन्या, आपका आंसर क्या आया, फाइनल आंसर बता बेटा, गलत आया ना इसीलिए 300, क्योंकि उसमें फिर वो माइनस ध्यान नहीं रहता लगाना,
cot 300, cot 300 को क्या लिखोगे बच्चों, cot ऑफ 270 प्लस या 360 माइनस 60, तो cot 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ में, फोर्थ में cot होता है नेगेटिव, cot 60, cot 60 बताओ, cot 60 माइनस माइनस रूट 3, ठीक है। आपने जब 10 क्या लिखा था, 10 माइनस 60, तो फिर आपने ध्यान ही नहीं रखा कि 1080 यहाँ पर पूरा होगा, आपने रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग सीधा हटा दिया, तो ये तो सोचा ही नहीं कि ये एंगल यहाँ इस क्वाड्रेंट पे बनेगा और इसमें नेगेटिव होता है कोट, वो नहीं लगाया आपने, ठीक है। ठीक है, चले आगे, ऐसे ही करना होता है बच्चों, ठीक है। जैसे दो तीन क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, वो करो और फिर अब रिक्वेस्ट को मैं कैसे देखूं, नहीं दो पार्टिसिपेंट है, हाँ। अच्छा ऐसा है क्या, या मैंने इधर नहीं, मैंने इधर ज्वाइन किया था फोन पे, मैंने इधर ज्वाइन किया था फोन पे, मत मानना, नहीं भाई मना करो इसको, हाँ इधर से तो लीव हो चुका, ओके बैचो आ जाओ, नहीं आओ बच्चों जरा, अच्छा चल ही रहा है, करो बच्चों ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो, बस इसमें और आगे नहीं करेंगे, फिर थोड़े से नेगेटिव करेंगे बस उसके बाद, बताओ फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, प्लस 150, तो ये बन गया 0, 5 और 4, 9, हाँ ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा ये साइन, साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा, नो सॉरी साइन थीटा, और पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 30, साइन 30 कितना होता है अभी 1/2, चल अगला बता, बताओ 2025 का, बोलो, एटीन हंड्रेड प्लस 225, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होता है 1800, 5 × 360, तो 5 रेवोल्यूशन पूरे हो गए, इसका मतलब 5 रेवोल्यूशन पूरे हो गए, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू कॉस 225 डिग्री, बताओ कॉस 180 प्लस 45, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कितना आएगा माइनस 1/√2 आएगा, ठीक है, चलो बताओ जरा ये कितना होगा भाई, पहले इसको 360 से डिवाइड करके देखो, 2460 को 360 से डिवाइड करके देखो कितने पे डिवाइड होता है, तो ये कितना होगा, क्या होगा ये 10 ऑफ, बताओ क्या होगा, 4 × 6 × 360 बन रहा है ना, हाँ 6 × 360 कितना होता है 2160, 6 × 360 कितना 2160, ठीक है, प्लस में कितना 300, दिस इज इक्वल टू, बताओ जरा 10 ऑफ 300 कितना 10 300, अब आगे तो इसको कर ही लोगे, टेंजेंट ऑफ 300 को क्या लिखोगे,
360 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 1060 माइनस ऑफ बोलो रूट, ठीक है ये आ गया। चले चलो भाई आगे आ जाओ। देखो ऐसा बच्चों, ये पाई रेडियन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन, जैसे डिग्री एक डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को, ऐसे ही दूसरी यूनिट क्या होती है रेडियन, ठीक है। सो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है पाई रेडियन के, ये भी एंगल को मेजर करने की यूनिट है। ये इतना एंगल 180 डिग्री होता है, कितना होता है ये 180 डिग्री है, पाई रेडियन एंगल भी इतना ही होता है, यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करोगे तो ये पाई रेडियन एंगल है। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, बाकी बच्चों को तो मैंने पढ़ा भी रखा है कल्याणी को छोड़ के। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इस रिलेशनशिप को याद करो, ठीक है। यहाँ से 1 डिग्री निकालना होगा तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, यूनिटरी लगाओ पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा 180 अपॉन पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 अपॉन, यहाँ से निकालो 1 रेडियन की वैल्यू निकालो तो पाई नीचे चला जाएगा पाई डिग्री। तो ये दोनों रिलेशन भी इसके साथ आप याद रखो, जस्ट यूनिटरी लगाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहो तो चलो छोड़ते बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों ये तो कर ही लिया हमने, नेगेटिव एंगल रह गए हमारे, जैसे साइन ऑफ ये आ जाए माइनस ऑफ 210 आ जाए, माइनस ऑफ क्या आ जाए 210। तो क्या करना है बच्चों, इस अगर नेगेटिव एंगल आता है ना तो उसके अंदर उससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो, इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल। रेवोल्यूशन या तो 360 में पूरा होता है, या फिर 720 में पूरा होता है, या फिर 1080 में पूरा होता है, या फिर 1440 में कंप्लीट होगा, ऐसे ना, ठीक है। तो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड करना है आपको, कैसा एंगल ऐड करना है रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल। तो बताओ ये माइनस का 210 है, इसमें क्या ऐड करोगे 360। जैसे पीछे क्या कर रहे थे हम, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को हटा रहे थे यानी कि माइनस कर रहे थे, अब ऐड कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल अगर आप माइनस कर देते हो या फिर ऐड कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एंगल मान लो यहां पर बना हुआ है आपका, आप इसमें 360 जोड़ दोगे तो वो एंगल भी यहीं पर बनेगा, इसलिए वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। आप इसमें 720 जोड़ दोगे तो एंगल फिर से यहीं पर बनेगा। तो आप यहां पर जितना एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो वैल्यू बदलेगी नहीं, क्योंकि एंगल नहीं बदलता इससे, ठीक है। आपने इसमें रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दिया, कितना बचा भी बताओ जरा 150। अब साइन 150 की वैल्यू निकाल लो, क्या लिखोगे साइन 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस थीटा बताओ माइनस साइन 30, सॉरी साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जैसे कॉस ऑफ कितना आ जाए, कॉस ऑफ माइनस 300 आ गया, निकाल के दिखाओ इसकी वैल्यू, कॉस माइनस 300 आ गया। तो इसमें क्या करोगे, इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दोगे, कॉस ऑफ कितना ऐड कर दोगे इसमें माइनस 300 प्लस 360, कितना बच जाएगा कॉस ऑफ बोलो 60 बच गया। कॉस 60 कितना होता है हाफ, ठीक है। समझ रहे हो, इसी टाइप से जैसे आपके पास साइन ऑफ माइनस 480 आ गया, क्या करोगे इसका, बताओ साइन ऑफ, इधर आओ, इसमें क्या करोगे भी साइन ऑफ माइनस 480, तो इससे बड़ा रेवोल्यूशन एंगल कंप्लीटिंग एंगल ऐड करो इसमें 720। अब इसको करो जल्दी सिंपलीफाई करके, दो 240 बच रहा है, तुम्हारे कहने से लिख दिया है
साइन 240, बताओ साइन 240 कितना होता है? साइन 180 प्लस 60, कौन है माइनस साइन 60 वाला? माइनस साइन 60 वाला कौन था ये? सरन्या, वो कह रहा है तुझे, अच्छा अच्छा बड़ा लिख दिखाई दे रहा है, माइनस का माइनस पे घुस गई, साइन 180 प्लस 60। अच्छा यहाँ का बता रही है क्या? मुझे लगा यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, बताओ साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन 60, और कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2, ठीक है, कर लोगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, अगला क्वेश्चन बताओ जरा मुझे। चलो एक क्वेश्चन तुम बताओ नेगेटिव एंगल का, कॉस में बताओ जरा, कॉस ऑफ माइनस 10/50, करो भी जरा इस क्वेश्चन को, करो कॉस ऑफ माइनस 10/50। अरे बहुत तेज दिमाग है भाई इसका, कॉस ऑफ माइनस प्लस 1080, ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है? रूट 3/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट कर बुक से और करोगे, और सेकंड एक्सरसाइज के उसमें लास्ट में, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में और सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से वो क्वेश्चन पूरे करोगे, ठीक है। चलो